आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। पहले तो क्या होता था कि अगर हम रात को भी निकल रहे होते तो कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत बहुत अनसेफ लगता था रात को निकलते हुए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मार्केट में रात में भी निकल रहे हैं तो कोई ऐसा डर नहीं रहता। महिला सेल जो बने हैं वो भी एक बार तो उछल कूद होती है उनमें, उसके बाद फिर वो भी ठंडे हो जाते हैं। फिर ये यूपी में काफ़ी सुधार हुआ है, पहले से जो सरकारें रही हैं उन्होंने वैसा काम नहीं किया है। जो अब योगी की जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, बाद मामला ही रफा दफा हो जाता, पता ही नहीं रहता। कई कई खबर का कोई और इंसिडेंट आ जाता है, उसकी खबर आगे बढ़ जाती है, वो पीछे छूट जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बातें होती हैं, दावे होते हैं, तमाम चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, लेकिन हाल ही के आंकड़े जो आए हैं वो चौंकाने वाले भी हैं और चंबित करने वाले भी हैं। पिछले 3 सालों के अंदर देश से 13 लाख के आसपास महिलाएं गायब हो गई हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले दिल्ली शहर का नाम है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे पर बंगाल है। कोई भी सरकार जब सत्ता पर आती है तो लगातार ये बात कहती है कि हम जो है वुमेन्स को बहुत अच्छी सेफ्टी देंगे, विकास के काम करेंगे, लेकिन जब धरातल की बात आती है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और दिल्ली शहर की बात की जाए तो दिल्ली शहर एक ऐसा शहर है जहां पूरी दुनिया से लोग घूमने भी आते हैं, भ्रमण करने भी आते हैं और कहीं ना कहीं अपना रोज़गार ढूंढने भी वो यहीं पर आते हैं। क्या लग रहा है सर, आपको काफ़ी तजुर्बा भी होगा, कई आपने मतदान भी किए होंगे, कई सरकारों को भी देखा है, महिलाओं के लिए काम हुआ है? विशेष काम नहीं हुआ, महिला सेल जो बने हैं वो भी एक बार तो उछल कूद होती है उनमें, उसके बाद फिर वो भी ठंडे हो जाते हैं। उसके अलावा कोई उनके पास कुछ है नहीं, एक बार कमेंट्स कर दिए, बात खत्म है उनके लिए। कमेंट्स की बात की जाए, मणिपुर एक ऐसी घटना है जिसके बारे में एक अगर कहा जाए, एक वो कृतज्ञ घटना जो निशब्द कर देती है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, हर राज्यों की बात होने लगती है अपनी गलती छुपाने के लिए। क्या लगता है इस पे जो है डिस्कशन करना? तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है, कहते कुछ हैं होता कुछ और है। अब चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इसमें किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हर पार्टी का मुद्दा यही होता है, शुरू में ये करो बाद में कुछ नहीं होता। थोड़े से कमेंट्स कर दिए, अखबार में हेडलाइन आ गई, उसके बाद फिर खबर ठंडी हो गई। जब कोई चर्चा में ज़्यादा आ जाए, मीडिया में ज़्यादा आ जाए, तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती रहेगी, कुछ दिन बाद वो भी ठंडी हो जाएगी, कोई और नया टॉपिक आ जाएगा, नए टॉपिक पर आ जाएंगे वो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मीडिया जो है चीज़ें दिखाती रही तब तक तो उन सारी चीज़ों पे चर्चा होती है, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाए, उसके बाद मामला ही रफा दफा हो जाता, पता ही नहीं रहता। कई कई खबर का कोई और इंसिडेंट आ जाता है, उसकी खबर आगे बढ़ जाती है, वो पीछे छूट जाती है। कुछ देख रहे हैं कि आने वाले समय पे कोई सरकार वाकई महिलाओं की सेफ्टी के लिए काम करे, क्योंकि हर किसी के अगर देखा जाए आगे बेटी है, बहू है, पत्नी है, माँ है। मैडम, इसके ऊपर जो है ज़्यादा विशेष टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब अंडरस्टूड है, हर पार्टी को मालूम है, उनके घर में भी यही सब चीज़ें हैं, बहन है, बहू है, बेटी है, बीवी है, जो भी कुछ है उनके साथ भी वही हो सकता है, लेकिन वो सिक्योरिटी में रहते हैं इसलिए उनके साथ चांसेस कम होते हैं, जो सिक्योरिटी में नहीं रहते उनके साथ चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा यूपी में भी होता रहता है, शेड्यूल कास्टों को किया जाता है, हरासमेंट की जाती है, वो भी ऐसे ही चलता है। यूपी है चाहे बिहार है चाहे कोई भी स्टेट हो, ये ऐसा जरूरी नहीं कि दिल्ली में ही होता है, सब जगह ही होता है, लेकिन खबर आती है, कोई दब जाती है, कोई उठ जाती है खबर बस। क्या लगता है कि सर, जहाँ देश में नारी को पूजा जाता है, उसके 9 स्वरूपों की पूजा होती है, वहीं पर नारियों के साथ इस तरीके की जब घटनाएँ सामने आती हैं तो कैसा लगता है कि क्या ये वही भारत देश है जो औरों से अलग संस्कृति और ज्ञान के लिए परचम लहराता रहता है, जाना जाता है? देखिए, है तो भारत वही है, लेकिन जो भी कहा जाए, अब इसके लिए ज़्यादा स्पष्टीकरण तो नहीं दिया जा सकता, बाकी अंडरस्टूड सब है और सबको मालूम है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो देखिए, बिल्कुल इन्होंने जिस तरीके से बात कही कि समझता हर कोई है, हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतदान भी हम इसी उम्मीद से करते हैं कि आने वाले समय में देश के विकास के साथ साथ जो हमें सुरक्षा व्यवस्था चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। हाल ही के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले भी हैं और समझने की कोशिश करने वाले। कुछ महिलाएं हैं, हम चलते हैं उनसे भी चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, लगातार जिस तरीके से महिलाओं की सेफ्टी के लिए बात होती है, वाकई दिल्ली शहर में खुद को महफूज समझती? मुझे तो नहीं लगता।
अगर हाल ही के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में भारत देश से 13 लाख लड़कियां गायब हो गईं, जिसका कुछ भी अता पता नहीं, और सबसे पहले नंबर पर नाम दिल्ली शहर का है। अब क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ही कुछ महिलाओं के लिए नहीं कर रही है सेफ्टी के लिए। बीजेपी आई थी, वादे दावे बहुत कहते कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, यूपी की कानून व्यवस्था की बड़ी चर्चा परचम तक होती है, क्या लगता है? फिर ये यूपी में काफ़ी सुधार हुआ है, पहले से जो सरकारें रही हैं उन्होंने वैसा काम नहीं किया है, जो अब योगी की जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। और क्योंकि मैं मेरा जो होम टाउन है वो यूपी ही है, तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मुझे काफ़ी वहाँ इम्प्रूवमेंट मिलता है। पहले तो क्या होता था कि अगर हम रात को भी निकल रहे होते तो कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत अनसेफ लगता था रात को निकलते हुए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मार्केट में रात में भी निकल रहे हैं तो कोई ऐसा डर नहीं रहता। दिल्ली शहर में ज़्यादा महफूज समझती हैं या यूपी में? दिल्ली भी सही है लेकिन इतना सेफ नहीं है, पर अब यूपी में थोड़ा सा मुझे काफ़ी लग रहा है इम्प्रूवमेंट। लगातार जिस तरीके से घटनाएं आई बीच में, साक्षी मर्डर केस भी आया, ऐसी सारी घटनाएं आई, इसको किस तरीके से आप देखते? ये तो बहुत ही जो हुआ बहुत ही घृणित कार्य है, और मैं तो बहुत इसकी आलोचना करूंगी कि लड़कियों के संग इतना, मतलब रात में लड़कियां निकल नहीं सकती हैं और मतलब कुछ भी हो जा रहा है उन लोग संग। आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि आज ये हो गया, आज उसका मर्डर, आज उसके ऊपर ये कर दिया, तो ये तो बहुत, मतलब मुझे भी ये, मतलब मैं बता रही हूँ ना, दिल्ली में इतना नहीं मुझको अब सेफ लगता। घटना भी आपने सुनी होगी और समझी भी होगी। मणिपुर की घटना मुझे पता तो है पर पूरा डिटेल में नहीं पता, पर ये उसकी पूरी जो स्टोरी है जो वो मुझे क्लियर नहीं पता कि क्या वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ। दो स्टोरी कुछ भी हो लेकिन किसी महिलाओं को बहुत गलत है इस तरीके से करना। उसके बाद जिस तरीके से दूसरे आंकड़े राजस्थान से भी आ रहे हैं कि सबसे अगर देखा जाए तो दुष्कर्म के मामले में सबसे आगे है, तो जो महिलाओं की सुरक्षा, वही मैं लगातार प्रश्न करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस देश में नारी को पूजा जाता है वहाँ पर जब महिलाओं के साथ इस तरीके की हैवानियत जैसी घटनाएं घटें तो कैसा महसूस? मैम मुझे तो बहुत रोना आता है जब मैं ऐसी घटना देखती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ तो मैं बहुत, मुझे बहुत फील होता है कि मेरी बेटी बाहर पढ़ती है तो वो कैसे मतलब निकलती होगी कैसे, तो मेरे को बहुत चिंता सताती है जब मैं ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ कि महिलाओं के संग कैसे निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, ये हो रहा है, और ट्रेन में भी बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने। तो मतलब महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, महिलाओं के लिए करना चाहिए। देखिए लोगों का कहना यही है कि महिलाओं के लिए जो है करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम बातें, तमाम जिक्र, वादे दावे होते हैं लेकिन जब धरातल की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो शब्द थम से जाते हैं, ठहर से जाते हैं और सोचने पर मजबूर कर जाते हैं कि जिस उम्मीद के साथ में जिस सत्ता पर सरकार को बैठाया, क्या वाकई वो उस तरीके से काम कर भी रही है या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।